a mouse, cause I'm an albatross. तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। अगर आप एक पबजी या फ्री फायर गेमर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल हो सकती है। मतलब अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप फुल देखिए, आपके लिए काफ़ी स्पेशल है वीडियो और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका पबजी या फ्री फायर लैग क्यों करता है। बेसिकली जब आप खेलने लगते हैं तो वो अचानक से लैग करने लगता है, तो उसके मेनली 3 रीजंस हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो उसको सही करने की कोशिश भी करिएगा। तो फर्स्ट रीज़न हमारा हो सकता है स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आप पबजी या फ्री फायर खेल रहे हैं और आपको फ़ोन में स्टोरेज नहीं है तो आपका वो लैग करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आप पबजी या फ्री फायर कुछ भी खेलते हैं तो फाइल्स के सेव होने लगती हैं, उसकी फाइल्स कुछ फाइल्स सेव होती हैं आपकी स्टोरेज में। बट अगर आपका स्टोरेज पूरा फुल है तो कहाँ सेव होंगी, जब स्पेस ही नहीं बचेगा तो लैग तो करेगा ही। चलते हैं अपने सेकंड जो रीज़न है उसकी ओर। तो सेकंड रीज़न हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन। अगर आप किसी ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ को आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है, या तो ऐसी जगह जहाँ आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो लेकिन उतनी स्पीड नहीं है, तो आप ऐसी जगह का चूज़ करिए जहाँ पर आपको स्पीड अच्छी खासी मिल सके, जिससे आपका पिंग थोड़ा कम देखने को मिले और आप अच्छे से खेल सकें। तो मार्केट में बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, आप उनको चेक कर लीजिए कौन सा आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा मिलता है, इंटरनेट कनेक्शन किसका आपके एरिया में सबसे ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि एयरटेल है, जियो है, वोडा है, आइडिया है, आप कोई भी चेक कर लीजिएगा कौन सा सही है आपके मार्केट में, मतलब आपके एरिया में कौन सा फिट बैठता है। तो थर्ड रीज़न हो सकता है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रीज़न, प्रोसेसर कैपेबिलिटी। मतलब आपका प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है कि वो उस ऐप को रन कर सके, और आप उसे फिर भी रन करवा रहे हैं तो ये तो नहीं हो सकता ना। मतलब आपका प्रोसेसर उसे रन नहीं कर पाएगा, इस वजह से आपको लैग होने लगता है। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप कभी पबजी या फ्री फायर चार्जिंग में लगा के मत खेलिए। मतलब जब आप चार्जिंग में लगा के खेलते हैं तो क्या होता है कि आपका प्रोसेसर एक तरफ चार्जिंग में भी हो रहा है, चार्जिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, और एक तरफ आप गेमिंग कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो वो कितना सपोर्ट करेगा। इसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाएगा और वो लैग करने लगेगा। तो ये रीज़न है जिसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कुछ आपका काफ़ी सही हो सकता है ये लैगिंग प्रॉब्लम जो होता है। तो मैं आपको एक ऐप रिकमेंड कर रहा हूँ, इसका नाम है किल्स ऐप, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये ऐप क्या करता है कि आपके बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उसको बंद कर देता है। तो जब आपके बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलेगा तो आपका प्रोसेसर कैपेबल हो जाएगा किसी पर्टिकुलर एक ऐप को चलाने के लिए, और आपका पबजी या फ्री फायर काफ़ी हद तक लैग करना कम कर देगा। तो ये किल्स ऐप आपको प्ले स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा, आप बेसिकली वहाँ पर सर्च कर दीजिएगा बस, जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ के लैप्स, ये आ गया, और केवल 2 या 3 MB की ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और फिर डाउनलोड करने के बाद, आप डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपको सिंपली इसे ओपन कर लेना है। एज यू कैन सी यहाँ पर ये फुली लोडेड हो चुका है। आप थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो ये प्लस का जो सिंबल है आपको इसे पे क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर उन ऐप्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसे आप यूज़ नहीं करना चाहते। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिर्फ फ्री फायर को सेलेक्ट करता हूँ कि मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, बाकी सबको डीसेलेक्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। थोड़ा ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पर प्ले का एक बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर शो द सेटिंग पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर इसको एक्सेसिबिलिटी को इनेबल कर देना है। एक्सेसिबिलिटी को इनेबल करने के बाद आपको बैक करना है, आपको प्ले के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये स्टार्टिंग होगा बस थोड़ी देर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है, और आपका सॉफ्टवेयर बहुत तेज़ी से रन करने लगेगा कोई भी सॉफ्टवेयर।
और आपका फ़ोन एकदम रॉकेट की तरह चलने लगेगा। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं या काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपका लैगिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आई एम डैम श्योर कि अगर आप जितने ट्रिप्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं आप उसे फॉलो करते हैं तो आपकी लैगिंग प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी, समथिंग 70-80% तक। और आपको ऐसे और टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर मैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो गुड बाय, वंदे मातरम।